और एक बहन जी कहकर संबोधित करते थे, बहन दर्शना जी कहकर संबोधित करते थे। सच कहूं दर्शना अनूप वो बहन जी अपनी संसारिक यात्रा संपूर्ण कर इस संसार से वो जितनी बार भी वंदन कर ले मौका आया, जितनी बार भी प्रणाम कर ले मौका आया, अतः तो फिर कोटिश कोटिश प्रणाम करते हुए उनके चरणों के श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता हूँ, अर्पित करता हूँ। और यही प्रार्थना करता हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, जो के आत्मा का भाव था कि उनको जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करना और इस वृद्ध अवस्था में उनके जीवन साथी को इतना बल और शक्ति देना कि वो उसको आदर्श के रूप में लेते हुए अपना बहुत लंबी आयु तक सुखद जीवन जिए। परिवार की आवश्यकता की कमी है ही नहीं, लेकिन मन से वो अपना जीवन आपके तौर पर जिए, इन भाव के साथ अपने भाव को विराम देते हुए एक और उल्लेख करना चाहूंगा। कांग्रेस के लिए भी दूरभाष आया है, पर मुझे साथ ही यशोमंदिर देवी महाराज साहिब वहां पर विराजित है, तो उन्होंने भी उस श्राविका को अपना मंगल संदेश और अपना भाव का उनके चरणों में श्रद्धा भेजा है। अतः उनकी ओर से भी परिवार को धर्म मंगल महावला भावना प्रस्तुत करते हुए उनकी ओर से भी मैं उसे दिल्ली के रूप में कहता हूँ, मुझे वो भी उनके चरणों में श्रद्धा से पुष्प अर्पित करते हैं। और मुझे अपना कर्तव्य निभाते हुए विजयवर्धन मस्जिद सेंटर, विजयवर्धन समाधि मंदिर, उसकी ओर से भी जिसको सदा सदा उस देवी का आशीर्वाद।
मेरी गर्व से कहूंगा, आज इस दुख की भेदा में भी परिवार को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि जाने वाली देवी ने उनके परिवार की शान बहुत बढ़ाई है। जहां भी जाना ये भाव आदरणीय श्री परमात्मा जी और बहन जी ने मिलकर परमात्मा के आगे रखना, अपने रंग में रखते अपने घर में रख दिया। और इसीलिए उसके रंग में रखते हुए उन्होंने जीवन में क्या क्या किया, ये कोई शारिका आज के युग में प्राय कर नहीं सकती। और उसका उल्लेख करते 14 चैत्र पूर्णिमा नवपद की औली रौनी दशमी एकादशी, जीवन में ये तो तपश्चर्या उनके चलती रही और इसके साथ में महान तप जो उन्होंने अपने जीवन में किए, उपदान तक दो दो उपदान तक, और वो भी एक सबसे बड़े तीर्थ शिखर जी पर, और उसके बाद दूसरा कभी ना अश्वर होने वाला तीर्थ पाली दान। ऐसी धरा पर उन्होंने दोनों उपदान तक किए। वर्षिता रंग में यात्रा, हस्तनापुर की नवानु यात्रा, कांगड़ा जी तीर्थ की नवानु यात्रा, कौन सी ऐसी श्राविका है जो अपने जीवन में ऐसे ऐसे तप कर सकती है। जब किए हो आपको ऐसी उदाहरण विरले ही मिलेगी। और तप के साथ साथ संघ में अग्रणीय भूमिका निभाते हुए श्राप का धर्म को निभाया। मंत्रा साधवी मृगावती जी महाराज ने, क्योंकि उनका एक तरह से बहना के रूप में भी परम विदुषी सुशिष्य साधवी सुरता श्री जी महाराज, जो आज हमारे जैन साधु शब्द शरणियों की शान बढ़ा रही है, परिवार की शान बढ़ा रही है। और परिवार जब कर्मानुसार अपना उद्योग का क्षेत्र बढ़ाने के लिए लुधियाना में स्थापित हुआ और किचनू नगर में निवास किया, तो जब वो किचनू नगर में निवास हेतु पधारी तो हमारे समाज की कुछ श्राविका बहन नीलम जैन जी ने अपने आप को यही समझा, उसको स्वीकार किया और अपना धर्म निभाया। क्या बात करूं, प्राय शादी के बाद, बच्चों के बढ़ने के बाद हमारी श्राविकाएं हमारी महिला वर्ग धर्म जीवन का आकर्षित होती है, लेकिन मेरी उस बड़ी महिला ने तो बचपन से ही शादी से पूर्व ही तथा मुझे का त्याग कर दिया। ऐसे ऐसे गुणों की भरपूर हमारी बड़ी महिला एक आदर्श स्थापित करके हमारे समाज में नहीं है। इस बात का गर्व परिवार को नहीं संपूर्ण समाज को है, अंबाला श्री संत को है, लुधियाना श्री संत को है। केवल धर्म के साथ ही उनका संबंध नहीं था, प्राणी मात्र की सेवा के साथ भी उनका जीवन जुड़ा हुआ था। लोग जीवन में जितना भी कर दिया जाए उतना कम है, इसी अनुरूप धर्म में ओतप्रोत नहीं आज महसूस कर रहा हूं। ये लगभग 2-3 महीने पहले की बात है, हमारी उस बड़ी बहना ने मुझे दुर्भाग्य चाहती हूं कि मैं उनका भाव पूरी नहीं कर सकता। कहने का भाव यह है कि उनके जीवन में उनके अंग में एक क्षण तक ही तरफ समाया हुआ था। मैं उल्लेख कर रहा था कि प्राणी मात्र की सेवा में चाहे वो उदयपुर में कोई विकलांगों की संस्था हो, चाहे कोई और संस्था हो, वहां पर सदा सदा अपना योगदान देती रहती थी। एक सच्ची बेटी
एक उच्च कोटि की बेटी, एक उच्च कोटि की पत्नी, एक उच्च बेटी की मां और एक उच्च कोटि की श्राविका, ये सभी के सभी गुण उनके जीवन में समावेश किए गए थे। आज वो चली गई है, दुख दूर है, लेकिन हमारा ये जीवन को सार्थक कैसे करना है। मैंने कभी उनके द्वारा की गई समस्याओं का, उनके जीवन का, बल्लभ स्मारक हो, पाली ताना हो, सबको सींचने वाले, उनके हर कार्य में सदा सदा अग्रणी रहने वाले, जिन्होंने भी अपना जीवन सार्थक किया और सारे काल से पहले, सूर्य से पहले उनका भोजन लेने का नियम था, उनका व्याप था, तो जितनी सेवा परिवार ने उनके माध्यम से की है आज उसका उल्लेख नहीं होता। बहन सब भाभी नीलम जी जो माता पिता का रूप लेकर सदा सदा हमारे मित्र मंडल में, हमारे स्वास्थ्य संकल्प परिवार में हमें भजनों से लाभान्वित करती है, उनको ऐसी शिक्षा दी, अपनी बेटियों को ऐसी शिक्षा दी कि अपने परिवार में अपना कर्तव्य निभाना और धर्म में सदा सदा तल्लीन रहना और जितना भी हो सके इस शरीर से काम लेकर तपश्चर्या दान तप संयम करके रहना। और वो तो बच्चियां कहती है कि हमारे जीवन की मूल निर्माता है, निर्माता तो माँ के रूप में तो थी ही, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से बहुत बड़ी शिक्षा उन्होंने जो दी। और आज हम देख रहे हैं कि लुधियाना में आने के बाद भी यह परिवार, चाहे भैया श्री जी हो, चाहे वो सुधीर जी हो, जो कि आज संकेश्वर एंटरप्राइजेस के मालिक हैं, लेकिन एंटरप्राइजेस के मालिक होने के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक कार्य में सदा सदा वो तत्पर रहते हैं। का जो समाधि मंदिर, जो एक तीर्थ का रूप, भव्य तीर्थ का रूप भारतवर्ष में ऊंचा अपने आप में बनने जा रहा है, यहाँ पर 108 आचार्यों की प्रतिमा स्थापित होगी। जब परम पूज्य रक्षाधिपति श्री धर्मचंद्र श्री शिव जी महाराज साहब ने प्रेरणा दी, तो परिवार ने सबसे पहले कहा कि उन 108 प्रतिमाओं में से एक प्रतिमा का लाभ बहुत बड़ा धक्का देकर उन्हें कामयाबी मिलनी चाहिए। अगर आज ये कुछ कर रहा है तो स्वर्गीय लाला कृष्ण दास प्यारा लाल जी के पद चिन्हों पर चलते हुए और अपनी माँ से सदगुण और शिक्षा प्राप्त करके अपने परिवार का नाम रोशन करें। आज इस गौरवशाली परिवार के साथ वो बट वृक्ष जो एक कलम वृक्ष की भांति इनको छाया देना था, मां रूपी वृक्ष सर से उठ गया है, इस बात का दुख है, लेकिन मेरे को संपूर्ण विश्वास है कि वो कलम वृक्ष, क्योंकि कलम वृक्ष तो सदा सदा अपनी छाया देता रहता है और वो कलम वृक्ष, मां रूपी कलम वृक्ष सदा परिवार के साथ रहेगा, अपना आशीर्वाद देता रहेगा और परिवार इसी तरह धर्म के कार्य में, समाज के कार्य में अपना उल्लेख करता रहेगा। और भी बात कह दूं, ये एक कलवृक्ष का मैंने नाम लिया, एक पटवृक्ष जो कि हमारे समाज के बहुत बड़े वृक्ष हैं और उसके साथ ही साथ धर्म पारिवारिक दृष्टि से उनकी बहना का परिवार, जिसे हम गुरुमूर्ति का परिवार कहते हैं, कलियाला वालों का, श्री शादीलाल जी का परिवार और लुधियाना का हकीम परिवार, स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी हकीम का परिवार, सभी के और हमारे लुधियाना का और जिला का परिवार, हमारे परम आदरणीय श्री धर्मदेव जी का परिवार, ये सारे के सारे परिवार जो है वो उनके साथ जुड़े हुए थे धर्म बहना के रूप में। आज इन सभी परिवारों ने अपनी मुख्य बहना, मां रूपी बहना को खोया है। हम इस रूप में सबके साथ सहभागी हैं और हृदय के अंतःकरण से, गहराइयों से सकल सकल समूह परिवार को, संपूर्ण वर्ष परिवार को हार्दिक हार्दिक
संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन संवेदना के साथ आध्यात्मिक दृष्टि से हम उनको गौरवान्वित कहते हुए संबोधित करते हैं कि आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि आपके परिवार में ऐसी देवी रूपी महिला ने स्थान पाकर अपना नाम भी रोशन किया, परिवार का नाम रोशन किया, माई का परिवार का नाम रोशन किया। और यह उदाहरण एक उद्भिन्न आधार करते हुए समाज की हमारी महिला वर्ग को और प्रेरणा दे, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी बहुएं, हमारी बेटियां उसी का एक तरह से अनुसरण करते हुए कर अपने असली लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। तो इन्हीं भाव के साथ मैं उनके चरणों में कोटिश कोटिश प्रणाम करता हूँ, वंदना देता हूँ, श्रद्धांजलि पुष्पा। तब घर वालों को कह दिया ये शरीर काम आने वाला नहीं है, जब मैं जाऊं तो मेरे को अगर मैं भूल नहीं सकती हूँ तो मेरे को पाठ सुनाते रहना, मेरे को धर्म का बोध करवाते रहना। और पीजीआई में ऐसा ही हुआ, जब शांति पाठ सुनाया जा रहा था तो बिल्कुल एकदम जैसे उनको संपूर्ण ज्ञान था, संपूर्ण प्रकाश था, उसको सुना। और आज के समय में अपनी छोटी बहना जिसको वो वंदन करती थी स्वाती के स्वरूप में, परम पूज्य स्वाती सुमरता सिंह जी महाराज, जब उन्होंने उनको मंगल पाठ सुनाया तो मंगल पाठ सुनते ही अपनी आंखें बंद कर ले और एक तरह से उनका जो आत्मा रूपी पक्षी है वो उड़ारी मार गया और उनका आयुष्मान पूर्ण हो गया। इस काम का नहीं है तो घर वालों को बोल दिया जब मैं जाऊंगी तो मेरी आंखें किसी के काम पे, उन आंखों से पता नहीं कि पुण्यशाली जो आत्माओं को रोशनी होगी। आपको जितनी बार भी मंदिर कर ले वो कम है, जितनी बार भी प्रणाम कर ले वो कम है। अतः तो फिर कोशिश कोशिश प्रणाम करते हुए उनके चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता हूँ, अर्पित करता हूँ। और यही प्रार्थना करता हूँ कि हे परम पिता परमात्मा, जो उनके आत्मा का भाव था कि उनको जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करना और इस वृद्ध अवस्था में उनके जीवन साथी को इतना बल और शक्ति देना कि वो उसको आदर्श के रूप में लेते हुए अपना बल लंबी आयु तक सुखद जीवन जिए। परिवार की आवश्यकता कभी है ही नहीं, लेकिन मन से वो अपना जीवन आपके तौर पर जिए। इन भावों के साथ अपने भावों को विराम देते हुए एक और उल्लेख करना चाहूंगा, कांग्रेस के लिए भी दूरभाष आया है कि परम पूज्य साथी यशोमंद्रे जी महाराज साहब वहां पर विराजित है, तो उन्होंने भी उस श्राविका को अपना मंगल संदेश और अपना भाव का उनके चरणों में श्रद्धा भेजा है। अतः उनकी ओर से भी परिवार को धर्म मंगल मामला भावना प्रस्तुत करते हुए उनकी ओर से भी मैं उसे देवी के रूप में कहता हूँ, उस देवी को नमन करता हूँ। और ज्ञाना ज्ञानदेही परिवार का जरूर हमारी माँ सुदर्शना कुमारी जी, जो हमारे लिए माँ, सहेली, शिक्षक और सब कुछ थी, और बच्चों बच्चों में, जवानों में जवान, बच्चों में बच्चा, बुजुर्गों में बुजुर्ग, तो ऐसी माँ हमसे बुजुर्ग गई है, वो भी अब नहीं पाएगी, लेकिन जीवन प्रेर उसको सदा सदा स्मरण रखेंगे, उसको आदर्श मानेंगे। ये भाव है उन बच्चों के जिनका उन्होंने निर्माण किया, जिनका उन्होंने जीवन बनाया। तो इन भावों के साथ मैंने समय लिया, लेकिन मन के उद्गार से परिवार के प्रति लोग व्यक्त किए हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी बहुत बहुत है। माता जी पुण्य महाराज हमारे सभा के, हमारे शिव संघ के मुख्य मार्गदर्शक श्री स्कंदल गांधी जी हैं कि उनके संपूर्ण जीवन की यात्रा को हम सबको अवगत कराया। अब श्रद्धांजलि की श्रृंखला में
श्रद्धांजलि पर इतनी आई है कि मैं पूरा नाम भी उनका पढ़ नहीं सकता। श्रद्धांजलि बोलने वालों की संख्या बहुत है, परंतु ये हमारे संघ की मर्यादा है कि भगवान की तरफ से केवल एक ही श्रद्धांजलि दी जाएगी। हमारे श्री संघ के प्रधान श्री भागभूषण भारती जी किसी वजह के कारण गुजारा में नहीं है, उन्होंने भी मुझे फोन पर इस दिवंगत आत्माओं को अपनी श्रद्धा श्रद्धांजलि देता है, जिनकी परिवार की तरफ से भी इस दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धा सुन श्रद्धांजलि दी है। हमारे शिव संघ के संरक्षक श्री कृष्ण लाल जी जो की खुद यहाँ पर उपस्थित है, श्री विपुल जैन जी आगे प्रेसिडेंट हमारी शिव संघ के, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। कार्यकारी अध्यक्ष जी रमेश जी वो भी स्वयं यहाँ पर उपस्थित है। श्री ब्रह्मोत्री से श्री हरत जैन जी, किशोर नगर के मंदिर समिति के सदस्य श्री संजीव जैन जी टोनी जी, श्री राजकुमार जैन स्वास्थ्य जी, श्री संघ के सेक्रेटरी श्री अभिषेक जैन जी, संघवी परिवार श्री श्री पाजी जैन बरड़, सांस्कृतिक कमेटी के संचालक श्री अमित जैन जी टोनी, ताऊदिया श्री मंत्री के कन्वीनर श्री श्रेणी जैन जी, नूरवार रोड से श्री अरुण जैन जी, आकर वल्लभ जैन धार्मिक पाठशाला के प्रधान श्री वीर भूषण जैन जी, बाबा गजर जैन सभा के प्रधान श्री कश्मीरी लाल जी हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं इस दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि देने के लिए। एम जी एस हॉस्पिटल के प्रधान श्री अरुण जैन बबला जी, दीपक जैन जी स्वास्थ्य जो की वल्लभ रोजगार योजना के कन्वीनर है, वो भी इस दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर खुद उपस्थित हुए हैं। कांगड़ा से श्री यशोवर्धन जी महाराज ने भी अपना शोक समाचार भेजा है। रोपड़ के श्री केजपाल जी जैन, पुष्पलता जी जैन, भक्तांबर पाल जैन परिवार ने भी शोकाकुल परिवार को अपना शोक समाचार भेजा है। दिल्ली से श्री प्रिय धर्मानंद महाराज से कन्हा श्री जी महाराज है ने भी इस दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि दी है। श्री सुगंधा श्री जी महाराज है अहमदाबाद से भी गुरुदेव का शोक समाचार पत्र मिला है। इस सभा में आज हुए उपस्थित सभी भाई बहनों से मैं बेनती करूंगा कृपया आगे आगे आ जाए ताकि पीछे जो भाई बहन खड़े हैं वो ठीक से बैठ सके। श्री विपुल विनायक जी प्रधान जी ने भी अपनी श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि दी है। जीवो ध्यान चैप्टर श्रीमती अभिलाष गोस्वामी की तरफ से ही इस दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि दे दी है। भगवान आयुष सेवा संस्थान श्री के जैन जी प्रधान, यूएसपीसी जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल के प्रधान श्री पवन कुमार जी जैन, लोक पद्मा एमजीएस हॉस्पिटल के प्रधान श्री अरुण जैन बबला जी जो की इस दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि देने के लिए खुद यहाँ पर उपस्थित हैं, श्री आता वल्लभ जैन महिला मंडल अम्बाला की तरफ से एक शोक समाचार मिला है। श्री आत्मानंद जैन स्कूल कमेटी के प्रधान श्री अशोक जैन जी, मंत्री नरेंद्र जैन जी, प्रशासनिक महामंत्री श्री अविनाश जैन जी ने भी अपनी भावांजलि दे दी है। आदिनाथ जैन सरकार मंदिर ट्रस्ट सतपाल जैन अध्यक्ष ने भी इन्होंने अपनी शोक समाचार भेजा है। श्री जैन श्रद्धांबर मूर्ति श्राविका मंडल अम्बाला शहर के प्रधानमंत्री श्री मधु जैन जी ने अपनी दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि दी है। शर्मा पासक के प्रधान श्री पति जैन ने भी और अम्बाला के समाधि मंदिर के प्रधान श्री स्त्री जैन जी ने भी अपनी श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित की है। संस्थाओं की ओर से भाई जितेंद्र जी ने उनके चरणों में श्रद्धा के पुष्प किए। समाज की कोई भी ऐसी संस्था भले ही वो श्राविका मंडल हो, महिला मंडल हो, युवा मंडल हो, धार्मिक संस्था हो, सामाजिक संस्था हो, लुधियाना ही नहीं अपने भारतवर्ष की और पंजाब की जितनी भी संस्थाएं या सभाएं हैं वो उस महान देवी के चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करती है और जिस गोत्र से उनका संबंध था वो भी उनके चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हैं और मुझे अपना कर्तव्य निभाते हुए विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर, विजयानंद समाधि मंदिर,
उसकी ओर से भी जिसको सदा सदा उस देवी का आशीर्वाद। स्वर संगम परिवार जिसका के उनके धर्म पुत्र भाई महेंद्र जी से आजीवन अटूट संबंध है। और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि नीलम भाभी जी और हमारी बहना हमारे परिवार का एक ऐसा भक्ति का रस देने वाली हमारा पाठ है जिससे कभी भी हम छूटते नहीं रहते। स्वर संगम परिवार की ओर से भी उनके चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता हूँ। और उल्लेख के रूप में मेरे को बहुत सारी सभाओं वालों ने, चाहे वो होशियारपुर से बैठे हैं, चाहे वो हरियाणा से बैठे हैं, चाहे वो जलंधर से बैठे हैं, जितने भी हमारे श्री आत्मानंद जैन सभाएं उत्तर भारत की है, उन सब की ओर से जितने भी परिवार संबंधी परिवार उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी परिवारों की ओर से सामूहिक रूप से उनको नतमस्तक होते हुए अंतःकरण से श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हैं। और यही कहेंगे कि उनका भाव, उनके आदेश और उनका जीवन हमारे जीवन में रम जाए, रस जाए, यही परमात्मा के चरणों में प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति। स्वयं गुरु ने आप रसा पकड़ी होगी, जो भी हमारे समाज के सुप्रसिद्ध परिवार लाला गणेश दास, प्यारा लाल श्री शादीलाल प्रदोष कुमार जैन परिवार को हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए जाने वाली पुण्य आत्मा के चरणों में उन्नीस उन्नीस प्रणाम करते हुए उन्हें श्रद्धा कृपया पगड़ी की रस्म सुन रहे। बहुत सारे हमारे क्योंकि बार बार हम उल्लेख करते हैं कि आप साथी को अपनाए, साथी को अपनाए, लेकिन फिर भी सबक की दृष्टि से बहुत सारे रिश्तेदार सबकी पगड़ी भी खुल गई। चाहिए तो यही कि जब घोषणा वहां हो जाती है मैं तो बिल्कुल ठीक मानता हूँ आपकी बात। हम तो बार बार यहाँ ऐसा संबोधन करते हैं कि शादी अपनाए, तो अब ऐसे समय में मैं एक ही प्रार्थना करूंगा, जैसे परिवार का भाव है एक पगड़ी दे दे और बाकी की पगड़ियाँ जो लाए हैं वो एक तरफ रख दें, क्योंकि वापस भी नहीं जाएगी। और हम इसका अनुसरण करने का प्रयास करें, हम प्रार्थना ही कर सकते हैं लेकिन जबरदस्ती या दबाव नहीं कर सकते, केवल प्रार्थना को स्वीकार करें। हम सादगी जैसे जैसे परिवार और समाज जानता है, क्योंकि समाज का भी यहाँ का नियम है पगड़ी एक होगी, तो इसलिए बिना अनुरोध है कि जो पगड़ी आई है वो एक तरफ जो है हमको इकट्ठी कर दे। और ऐसा बात एक तरफ भी रखती है परम वरि मंगलम। ओम नमो
एक बार फिर के साथ संबंधित जितनी भी सभाएं, जितनी भी संस्थाएं, जितने भी मंडल जुड़े हुए हैं, जो कि मेरे पास बीच बीच में से लेकर आ रहे हैं, उन सभी की ओर से उनके पवित्र चरण कमलों में श्रद्धा निवेदन चीजों की ओर से भी आप एक बार फिर उस मां के जन्म में श्रद्धा अर्पित करें। अतः फिर यही कर्तव्य कि जिसका उल्लेख नहीं कर पाया हूं, उन सभी की ओर से उनके चरणों में नमन और श्रद्धा के पुष्प जो दान राशियां घोषित की गई है उसमें उल्लेख स्वरूप श्री जैन मंदिर सुंदरनगर, जैन मंदिर दाल बाजार, सिविल लाइन किचड़ू नगर, हापड़ा रोड, हमीरपुर, बर्मन वाटिका, महावीर एनक्लेव, जयपुरा, चंडीगढ़ रोड, श्री बाबा गज्जा की कम्युनिटी सेंटर, श्री गौ सेवा सोसाइटी, बहादुरगढ़ रोड, विजयानंद पत्रिका, पार्टी की तरफ से संपूर्ण कार्यकारिणी समिति की तरफ से इसके अंतर्गत आते हुए सभी धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं की तरफ से इस दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान इंद्रा के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ इस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस दुख की वेदना सहन करने की शक्ति प्रदान करे। परिवार की तरफ से मीना देवी हाल में भोजन का प्रबंध किया गया है, कृपया सभी भोजन स्वागत करे जाए। अब मैं हमारे शीर्षक के सेक्रेटरी श्री अभिन शेख यानी से विनती करता हूँ कृपया मंच पर आए और शांति पाठ का उच्चारण करें। महिलाएं प्रतिदिन 3 से 4 बजे तक युवा स्थल पर बैठेंगी और बाबरी की रस्म 14 अप्रैल को सुबह 10 बजे युवा स्थल पर होगी। सभी सम्बन्धित जो बैठे बैठी है परिवार से संबंधित कोई सूचना को ध्यान में रखें। साथ में मीना देवी हाल में सभी भोजन खाके जाए ऐसी परिवार की तरफ से नमो हरि भक्तान, नमो श्रद्धा, नमो आज मीना, नमो भोज, नमो मन सर्व साहुसो पंच नमो कारो सर्व पाप प्रणाशनो अमला नच सभ्य परम भवन मंगल ओम सदभरम पासम पासम मंगलामी कम हर मुक्तम विष्ण विष्णु नाशन मंगल कल्याण आवासन विष्णु पूरी मंगल कठे खारे जो सिया मनो दस्त गह रो मारी दुख जरा जल्दी हो सा चिट्ठो पूरे मंतो दुख बनाओ विभव करो वही नर क्रियेशु की जीवा भवती लघु दो वचन दो समते लखे चिंता मणि कब पाए गई पावती विधिया जीवा आया हर स्थान यह संतो महायस धरती भदवे यरे ता देव गोहिं भवे भवे पास जड़ो नमो सिद्धाचार्यो पाध्याये सर्वसाधुभ्य शांति शांति शांतम शांतम शांता शिवम नमस्कृत स्तोत्र शांति में तं मंत्र पद शांत स्वामी ओम निश्चित वर्षे नमो नमो भगवते हरे पूजा शांति जिनय जय भगे यशस्वी स्वामी ने नमिना सकलामी शेषक महा संपत्ति संविताय शस्याय त्रैलोक्य पूजिताय जय नमो नम शांति देवाय सर्वावसुभ स्वामी समुचिताय निजिताय भुवन जन पाद दत्तमाय सतंग नमस्तस्मै सर्वदुहितो नाशंकराय सर्वाशी भस्मनाय दुष्ट ग्रह भूपिशाचाकिनां प्रवर्तनाय यस्येति नाम मंत्र प्रधान वाक्योपयोग कृत्कोशा विजयाकृते जनहित निधि जनता मत्तम शांति भक्तो नमस्ते भगवती विजय सुजय प्राप्ते रजिते अपराजिते जगत्याम जय की जावले भवती सर्वस्यापी जनसंघस्य भद्र कल्याण मंगल कदरे साधुनाथ सदाशिव तुष्टि पुष्टि प्रदे जिया भव्यानां कृत सिद्धे ते वृद्धि निर्वाण जननी सद्वाना
अभय प्रदान देते नमोस्तु स्वस्ति तदे तुभ्यं भक्तानां जन्तूनां शुभावहे नित्यमुदिरे देवी सम्यक् दृष्टिनां कृति गति मति बुद्धि प्रदानाय जिन शासन नेतानां शांति प्रदानाय जति जनतानां श्री संपत की यशोवर्धनी जय देवी जय सुर सलीलानल विश्वेश्वर तुष्ट ग्रह राज योग रंग भय राक्षस विपुल माली चौर विश्वापदा दिव्य अर्थ रक्ष रक्ष शिव गुरु गुरु शांति गुरु गुरु समेति तुष्टि गुरु गुरु पुष्टि गुरु गुरु स्वस्ति गुरु गुरु तो भगवती गुणवती शिव शांति तुष्टि पुष्टि स्वस्ति गुरु गुरु जना ओम ही नमो नमो राम ह्रीम ह्रूम हर यक्ष ह्रीम परपट स्वाहा एवं यज्ञावक्ष पुरुष संस्कृता जया देवी गुरु ते शांति नमस्ता नमो नमः शास्त्रे तस्मै इति पूर्व सुवित से मात्र पद विदर्भ सब शास्त्र सल्लादि भयविनाशी शांति कृष्ण भक्ति मदा यशे शांति पदम व्याया सूरी श्रीमान देवश्च उपसर्ग क्षेत्रांति छिद्यंते विक्रमल्य मन प्रसन्नता में तीन पूज्य माने जिनेश्वरे सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वमान जय नम जय भगवान की जय तब गुरु भगवंतो की जय नमो हिमदान नमो सिद्धान नमो आलियान नमो उपचायान नमो लोय सर्वसाहनम एसो पंच नमो कारो सर्व पाव प्रणाम नमो मंगलान नच सम्रेशी परम कवि दुख बेला में यहाँ पर आए हुए हैं परिवार की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। आप पहले परिवार आगे जाएगा हम सभी बात